भी मुख्यमंत्री पंजाब तो मांग करते हैं कि जो कल 17 मई को सर्किट हाउस जलंधर के कैबिनेट मंत्री मंडल मीटिंग हो रही है उस मुलाजमान 2016 तो पे पिछला एरियर बकाया पाया वह दिता जाए जो डी ए किस तरह बकाया वा वो दिता जाए जिस तरह सेंटर ने जुलाई 2022 तो डी ए 4% वाधा करता है तो पंजाब सरकार भी जो पंजाब के मुलाजमान उन्हें डी ए 4% वाधा करे जो मुलाजमान का मोबाइल पट्टा कटिया गया है वह बहाल किया जाए रूरल एरिया जो वित्त मंत्री सबका वित्त मंत्री आ मनप्रीत बादल ने कटिया असी पंजाब सरकार से भी मांग करते हैं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तो भी जो कटिया है पेंडू पत्ता वो भी बहाल किया जाए।10 साल तो ज्यादा काम करते हो गए सरकारी महकमे सरकारी इदारे सरकार ने खुशखबरी दी है उन्होंने पक्के करने के आर्डर कर दिए मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो यह नहीं पता भी हजे पक्के कदों होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान बार बार यही कह रहा था भी असी जो कच्चे मुलाजम भी उन्होंने अगे जो कच्चा शब्द कट्टा रेगुलर करांगे जो अज सर्कुलर 16 मई को करता सरकार ने पर लिखा भी डेली वेज वर्क चार्ज या टैंपरेरी जो 10 साल जिन्होंने हो गए उन्होंने असं रेगुलर करांगे पर असं यह भी मुख्यमंत्री मांग करते हैं पंजाब सरकार तो भी जेडे पंजाब सरकार महकमे 2-2 साल तो कम करते उन्होंने रेगुलर किया जाए जो घट्टो घट्ट तनखा 25,000 की जाए अब जो गुरमीत सिंह मीते हजार जो कैबिनेट मंत्री आने 68 कलर्कों जो नियुक्ति पत्र भी देते हैं तो यह भी अब वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने चीमा ने कहा लैब हो गए क्योंकि अभी मीटिंग हुई चंडीगढ़ के मुलाजमान की भी 36,000 मुलाजम जल्द ही रेगुलर करांगे पर पंजाब सरकार ने सर्कुलर भी करता है पर यह ना हो जिस तरह पुरानी पेंशन लागू करने नोटिफिकेशन लगना नोटिफिकेशन किया अजे तक वो जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई 13 महीने हो चुके सरकार बनी पर अज तक उन्होंने वो जी पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं की कित यह ना हो कि सर्कुलर इदा ही रह जाए और आस की जा सकती है भगवंत मान तो जो मुख्यमंत्री पंजाब आ भी वो जो कच्चे मुलाजम पंजाब सरकार के महकमे में जल सप्लाई आ जा वेरका या थर्मल प्लांट आ जा पावरकॉम फील्ड में काम करते भी हो सकता उन्होंने किस्मत हम जाग सकती है क्योंकि सर्कुलर तो हो चुका है जेकर वो रेगुलर होंगे 10 साल वाले तो असं भी मांग करते हैं भी जेडे भी पंजाब सरकार महकमे में चाहे साल तो चाहे 2 साल तो कम करते हैं टीचर स्कूलों में 6-6,000 काम करते हैं भी उन्होंने सारे रेगुलर किया जाए असं पंजाब सरकार मांग करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज पटियाले जो बस स्टैंड जो बनया है उसका उद्घाटन किया अज पंजाब सरकार में काम करते जिन्हें भी मुलाजम काम करते चाहे साल तो चाहे 6 महीने लगे हुए उन्होंने रेगुलर किया जाए। ये आप एक आप भी समझ सकते हैं जी जिमें इतों पहला अपन जो 17 मीटिंग हो गई जी 17 मीटिंग बार बार मुख्यमंत्री पंजाब जो भज रहा जी मीटिंग तो फिर एकदम अब जो नोटिफिकेशन है मुलाजमान पक्के करने का किमें करता जी उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान जो ठेका संघर्ष मोर्चे की मीटिंग चंडीगढ़ होनी सी पर उत्थे जो पहुंचे साडा ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे के आगू जगरूप सिंह लहरा ज होर पंजाब आगू पहुंचे बख जिले तो उत्थे यही कहा गया प्रशासन वालों भी मुख्यमंत्री पंजाब तो बिजी हैं तो तुसी किसी होर नाल मीटिंग कर लो उस समय जो पंजाब दे मुलाजम ठेका संघर्ष मोर्चे कच्चे मुलाजम उन्होंने कहा कि असी 17 मई को कैबिनेट मंत्री मंडल की मीटिंग सर्किट हाउस जलंधर हो रही है भी असी घराओ करांगे जो सूबा आगू आ बरिंदर सिंह मोमी ने कहा भी अभी 17 मई को घराओ करांगे पर अज जो सरकार ने सर्कुलर किया है ये आस की दस देगी जो पंजाब सरकार महकमे में काम ही काम करते रेगुलर हो गए असं यह भी मुख्यमंत्री पंजाब तो मांग करते हैं कि जो कल 17 मई को सर्किट हाउस जलंधर के कैबिनेट मंत्री मंडल मीटिंग हो रही है उस मुलाजमान 2016 तो पे पिछले इस ईवी इंपलाई ज्वाइंट फोरम वालों संघर्ष पावरकॉम मैनेजमेंट के विरुद्ध और पंजाब सरकार विरुद्ध जो धरना देना सी अमृतसर के जो बिजली मंत्री आ हरभजन सिंह ईटीओ के हल्के देना सीगा पर सरकार ने पंजाब पावरकॉम मैनेजमेंट ने जो मीटिंग आ 19 तरीक होनी 19 मई को पटियाले
ਪਾਰਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 19 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਟੀਓ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਘਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਪੂਰ ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।